लाइफ टाइम टीवी से मैं शिव बलिया आप सभी का हाल में ₹8,766 मतों से विजयी हो चुके हैं। उनकी खुशी में इस खुशी को जाहिर करते हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विजय जुलूस निकाला जा रहा है, खुशी जाहिर की जा रही है, जगह जगह पटाखे फोड़े जा रहे हैं। अभी बात करें अभी की तो उपमंडल जो गिन्नर के चौंतरा बाजार से इसमें की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा खुशी यहाँ पे मनाई जा रही है। आपको बता दें हिलूबाड़ जिला परिषद के प्रभारी नरेश खनोरिया जी द्वारा आज यहां पे जो विजय जुलूस यहां पे निकाला जा रहा है, आपको बता दें ढेलूबाड़ जिला परिषद के जो प्रभारी हैं नरेश खनोरी जी, 13 पंचायतों की जो जिम्मेदारी इन्हें कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई थी और अभी जिस तरह से मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी रानी प्रतिभा सिंह विजय होने और विजय होने की खुशी में आज किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे तो ये खुशी आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता खुशी यहाँ पे अपने बयान कर रहे हैं, बाजारों में पटाखे यहाँ पे फोड़े जा रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे इनके द्वारा यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले नरेश कनोरी द्वारा बिरोड बाजार में विजय जुलूस निकाला गया, पटाखे वहाँ पे फोड़े गए और ये आप देख सकते हैं किस तरह से खुशी यहाँ पे जाहिर की गई है। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत उपचुनावों के जो नतीजे आज आ चुके हैं, कांग्रेस प्रत्याशी रानी प्रतिभा सिंह जी 8,766 मतों से विजयी हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं किस तरह से ढेलूबाड़ जिला परिषद के जो प्रभारी हैं नरेश कनोरी जी, कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई थी और आज इस जश्न में खुशी के अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा इन्हें सम्मानित यहां पे किया जा रहा है, जुलूस यहां पे निकाला जा रहा है, पटाखे यहां पे फोड़े जा रहे हैं, किस तरह से खुशी यहां पे जाहिर की जाए। तो अभी बात करते हैं नरेश जी से। सबसे पहले आपको जानना चाहें, आपको बधाई देना चाहेंगे, मंडी संसदीय क्षेत्र से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रतिभा सिंह, उनकी जीत हुई है, इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक ऐतिहासिक जीत रही है। लगभग हमारी जो है 15 साल से जो है कांग्रेस पार्टी 2 टर्मों पहले जो पीछे रही है, लीड जो है काफ़ी ज़्यादा रही है। पिछली बार भी काफ़ी लीड थी बीजेपी की, लेकिन इस बार जो ऐतिहासिक जो जीत है वो रानी प्रतिभा सिंह की रही है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर हम जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ढेलू वार्ड के प्रभारी थे आप, और आपसे आपने ये बात भी कही थी कि ढेलू वार्ड से जो लीड है वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आए। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में 7,144 मत पड़े हैं, और इस बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ बात आती है ढिल्लूवाड़ी की बात आती है, विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, ढिल्लूवाड़ी में बात बोलूँ तो जिस हिसाब से जो यहाँ पर भाजपा का अपना जो एक बोलबाला था और बहुत सारे जो हमारे जो भाई है कांग्रेस भाई वो हमारे निर्दलीय विधायक के साथ जो है वो चल रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वापसी जो है हमने जो है इस जो उपचुनाव में हमने करवाई है। अब जो है हमारा अभी भी प्रयास जारी रहेगा, हम चाहेंगे कि हमारे जो मैक्सिमम जितने भी हमारे जो कांग्रेस के हमारे भाई हैं वो सब की वापसी हम यहाँ करवाएं। रही बात जैसे कि लीड की बात आती है तो लीड का एक दो कारण रहे हैं। एक तो कम वोटिंग होना जो है उसमें हमारी जो लीड है उसको हम बोलते हैं कि चलो उसकी वजह से हमारी जो लीड जो है वो कम रही होगी, लेकिन जहाँ बात आती है कि एज पर रेशो तो हम लोग ढेलूबाड़ से अप हैं। ढेलू वार्ड की जिस प्रकार से 13 पंचायतें आपके ढेलू वार्ड में आती हैं तो 13 पंचायतों में किस प्रकार का रुझान जो है जनता का रहा है? देखिए जहां बात 13 पंचायतों की बात आती है, जनता का रुझान बहुत बढ़िया रहा है। जनता जो है वो सबसे बड़ी बात आती है कि कांग्रेस प्रति पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, उनका जो पहले से निष्ठा रही है वो उनकी द्वारा से बनी है, उनको एक विश्वास जगा है कि कांग्रेस पार्टी का जो है नेतृत्व अब सही से रहेगा और कांग्रेस पार्टी में जो है अब जोगिंद्रनगर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन जो है वो आगे ही बढ़ेगी, पीछे बैकफुट में नहीं आने देगी। तो नरेश जी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो मत पड़े हैं महंगाई और बेरोजगारी को जो मुद्दा इस बार जनता ने बनाया था और उसी को देखते हो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी विजयी हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दा है ही है,
महंगाई और बेरोजगारी तो मैं समझता हर तीसरा आदमी त्रस्त है, लेकिन कुछ जो है अभी तक भी अंधभक्त जो है वो अभी भी भाजपा के लिए जो है रोना रो रहे हैं। लेकिन जहाँ बात आती है महंगाई और बेरोजगारी की बात है वो सरकार के लिए एक चुनौती है। टुंडिया जी, जिस प्रकार से आज अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो 3 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा सीट पर यहां पर चुनाव लड़े गए थे और सभी जगह कांग्रेस की विजय हुई है, ये आप क्या मानते हैं, किसकी विजय है, कांग्रेस की विजय जो है वो आप किस प्रकार से गिनती कर रहे हैं यहां पर? देखिए, सबसे पहले तो ये विजय जो है ये मतदाताओं की है, जो कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही हैं उनकी विजय है, उसका कांग्रेस पार्टी की विजय है। साथ में जहाँ बात आती है महंगाई और रोजगारी पर, ये भी एक आईना है, सरकार को आईना दिखाया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में ये 2022 के इलेक्शन के लिए भी एक सेमीफाइनल था, जिसके लिए ये जो विजय होना पड़ा। अगर 2022 के चुनावों की बात करें तो किस प्रकार से आगे के समीकरण दिखते हैं जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो? देखिए, जो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की जहाँ बात आती है, यहाँ पर जो है हमारे जो जैसे जो जिला परिषद वार्ड हैं ये 3 हैं और साथ में 10 पंचायतें जो है अतरंग की भी पड़ती है इसमें। अगर सारे गुट इकट्ठा होकर के, कांग्रेस पार्टी के सारे जितने भी गुट हैं वो इकट्ठे होकर के अगर इस चुनाव को लड़ते हैं, अगले चुनाव को लड़ते हैं, तो हर हाल में जो कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ से जीत हासिल करेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भीतरघात करते हैं, अभी भी इस बार भी इस इलेक्शन में भीतरघात हुआ है, जो हमारे पास उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। परंतु वो बात आ जाती है कि अभी हम नहीं चाहते कि किसी को बेनकाब करे, लेकिन जहाँ बात आ जाती है अगले चुनावों की, 2022 के चुनावों की, अगर सबको अक्ल आ गई होगी, 15 साल से वैसे ही विपक्ष में बैठे हुए हैं ना, वो किसी का विकास हो रहा है और सबसे ज़्यादा त्रस्त होता है, तो सबसे ज़्यादा त्रस्त होता है हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो वोटर है, आम आदमी, वो त्रस्त होता है। इसकी लापरवाह ना करते हुए जो कुछ हमारे जो ऐसे जो उद्योग में बैठे हुए जिनके पास एक से ज़्यादा, एक या दो से ऊपर जो है उनके पास किसी प्रकार का जो है लोग नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो नाम जो पार्टी के बड़े बड़े उद्योग में बैठे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ या तो उनको वहाँ से पार्टी से हटा देना चाहिए, या फिर ऐसे भीतरघातियों के ऊपर कोई ना कोई जो है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो नरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से सबके सहयोग से जो कांग्रेस पार्टी विजयी हुई है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको किस तरह की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी और किस तरह से आपने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया? देखिए, मुझे 13 पंचायतों की जिम्मेदारी दी थी, 13 पंचायतों में ऐसा नहीं था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पहले से बहुमत में रही है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ से जो है वो ना कि हमारे यहाँ के निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा का बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहा है 13 पंचायतों में, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की कि जो कांग्रेस पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता है, जो मतदाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश की है। जितनी मेरी कोशिश है, मैंने अपने जो पूरा दम लगाया है उस हिसाब से यहाँ पे वापसी हुई है। अगर हम इन चुनावों की बात करें तो जिस प्रकार से ये माना जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है 2022 के लिए, तो इस सेमीफाइनल में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 4-0 से विजयी हुई है यहाँ पर। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम करवाया था रानी प्रतिभा सिंह, जब कांग्रेस प्रत्याशी आपके सैंथल में आई थी वहां पर, और आपने वहां पर उससे पहले शहर महोत्सव मनाया था और आपने कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जो है वो आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या हम मान के चलें कि 2022 के चुनावों में नरेश कुड़िया भी एक चेहरा होगा? देखिए, जहाँ बात आती है 2022 में चुनाव लड़ने की बात आती है, चुनाव लड़ेंगे और बखूबी लड़ेंगे। और जहाँ बात आ जाती है ये, जहाँ पार्टी अगर टिकट देती है, बट पार्टी को टिकट अब धरातल में जो लोग हैं, जिनका संख्या बल जिनके पास है, उसके हिसाब से जो अगर पार्टी टिकट देती है तो ऑब्वियसली बात है मैं रेस में हूँ। तो नरेश जी, इसके अलावा से जाना चाहेंगे, चुनावी प्रचार प्रसार अभियान में आपके द्वारा भी लगातार जनसभाएं की गई और सभी लोगों का सहयोग रहा, तो सर क्या कार्यकर्ताओं का संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो कार्यकर्ता को संदेश यही देना चाहूंगा कि जो सहयोग उन लोगों का अभी रहा है, वो सहयोग मेरे साथ बराबर रहे, बरकरार रहे, और आने वाले वक्त में वो सहयोग जो है हमारे ऊपर, वो जो कार्यकर्ता है वो डबल मेहनत करे। और कार्यकर्ताओं का सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं है। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, आज तक जो भी हूँ मैं कार्यकर्ता ही रहा हूँ। मेरे कांग्रेस पार्टी में मुझे कोई किसी प्रकार का उद्यम नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी ने कभी मुझे एडमिट किया इस बात के लिए कि हाँ जी, अब कांग्रेस अभी भी जो है, अगर बात ले इन्हीं चुनावों की बात ले, तो बहुत सारे क्या जितने भी कांग्रेस के संगठन के लोग थे, उन्होंने मेरा विरोध ही किया, पर मैंने फिर भी कांग्रेस पार्टी का काम किया और खुले तौर पर किया। तो जहाँ बात आ जाती है कि कांग्रेस पार्टी अगर मेरे को किसी प्रकार का उद्यम देती है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ से जोड़ूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, आपकी बात की जाए, जिस प्रकार से आपने अभी यहाँ पर प्रभार संभाला है, हमने आपकी बहुत सारी जो सभाएं हैं, अगर नुक्कड़ सभाएं थी चाहे चुनावी सभाएं थी, वो भी हिमाचल दस्तक टीवी के माध्यम से लाइव करके आपको लोगों को बताई हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आगे का जो समय है, क्योंकि 2022 अभी थोड़ा सा दूर है, अगर मैं चुनावों की बात करूँ तो आगे भी किस प्रकार का प्रचार जो है वो आपके द्वारा रहेगा कांग्रेस के लिए?
देखिए, मैंने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। जो मेरे कांग्रेस भाई है, जो यहाँ पर 13 पंचायतों में लगभग मेरे जो मैक्सिमम जो सपोर्टर हैं वो तो 13 पंचायतों में है ही है। मैंने अब जैसे कल से मैंने जो अपना जो मीटिंग अभियान है शुरू कर दिया पंडोल पंचायत से, तो वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है कि मेरा कल जो है वहाँ पर मीटिंग है, मैंने रख दिया। मैंने धरातल में काम करना है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने सपोर्टर या कांग्रेस समर्थित लोग हैं, ऐसे सपोर्टर जो छुप चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, मैंने उन पर दोबारा से उनको सींचना है। क्योंकि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या सपोर्टर हैं वो एक एक मोती है और बिखरा के रख दी है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं, संगठन के लोग हैं या जो हमारे पास पहले से कांग्रेस पार्टी के रहे होंगे, उन्होंने बिखराव डाला हुआ है यहाँ पे। हमारा मकसद है एक एक मोती को चुनना है और पूरी माला बनानी है। माला बनाने के बाद अगला 2022 का इलेक्शन है, उसके लिए हम एक चुनौती देंगे। तो नरेश जी, बिखराव की बात अभी आपने कही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि चुनावी प्रचार प्रसार अभियान अभी से धरातल से आपके द्वारा शुरू कर दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना है? धरातल से शुरू किया हुआ और मैं डोर टू डोर जो है अभियान स्टार्ट किया हुआ है। मेरे वही बात है कि कार्यकर्ता मेरे को अब जो है फोनिकली मेरे को पर्सनली बुला रहे हैं और अपने आप वो बोलते हैं कि हमसे मीटिंग करिए, आपने जो है कांग्रेस पार्टी में एक नई उम्मीद लाई है। आज भी मॉर्निंग में मेरे को बहुत सारे कार्यकर्ता का फोन आए थे कि आपने कब से शुरू करना है। मैंने कहा मैं कल से ही शुरू करने वाला हूँ और आप लोगों से मैं कल मिलने वाला हूँ। तो वो जो लोग हैं जो इस टाइम टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उनको लाना है। सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार से भी लोग डरते हैं, जो वर्तमान में विधायक रहता है या सरकार रहती है उनसे भी लोग जो है वो प्रेशर में रहते हैं। अगर हम लोग उनको थोड़ा सा भी अगर उनको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, हल्का सा उनको सहयोग देते हैं और उनको लगता है कि कोई ये आस जगती है, तो एक सपोर्टर जो है 1000 सपोर्टर तैयार करता है। जिस प्रकार से आपने कांग्रेस में गुट की बात की है, गुटबाजी की बात की है, तो क्या आने वाले समय में ये एक चुनौती नहीं होगी कांग्रेस जनों को इकट्ठा करना? देखिए, मैं एक ना स्टेट फॉरवर्ड सा आदमी हूँ। अगर ये गुटबाजी है या इस तरह के गुट जो है जिनके पास एक से दो आदमी नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि पार्टी को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए, या फिर पार्टी में आए तो वो एक नियम के तहत आए। डिसिप्लिन की भावना हो लोगों में, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। और 8-10 लोगों को खड़ा करके नारा लगा देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम बोलते हैं कि संख्या बल ले आइए, अभी भी लग गया, उनके आईना सामने दिखा है और मैक्सिमम आप देखने को मिला है कि जोगिंद्रा विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ और कहां पर मीटिंग्स हुई, किसकी सभा हुई, जो सामने दिख रहा है। अगर कांग्रेस पदाधिकारियों की बात करें, नेताओं की बात करें और कार्यकर्ताओं की बात करें, जिस प्रकार से निसंदेह अभी जो ये चुनावी नतीजे आए हैं ये सभी के लिए मनोबल बढ़ाने वाले हैं, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन पदाधिकारियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को? देखिए, मेरा तो उनको यही संदेश है कि सबको मिला के चलिए, मिल के चलिए। और ये जो भावना आप लोगों के मन में है कि ये टिकट ले जाएगा तो हमने इसको नहीं जीतने देना, ये टिकट ले जाएगा तो उसको नहीं जीतना, मैंने 500 बार अपने इसके मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो 500 बार बोला है कि मैं संगठन के साथ चल रहा हूँ और मैं संगठन के साथ चलना चाहता हूँ। और इस तरह की जो भावनाएं आप लोगों के मन में हैं जो आपने प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर रखी भी है, और बहुत सारे इस MP इलेक्शन में आप लोगों की भावनाएँ जो है वो फील्ड में भी ओपन आई है, तो उस ऐसी बातों को जो है ऐसे ही इस तरह के जो उनके जो अपनेपन की जो भावना है उसको दूर करके एक साथ एकत्रित होकर के पार्टी के साथ मिलके पार्टी के किसी भी एक संगठन जिसके पास संख्या बल ज़्यादा है उसको प्रमोट करिए, तभी पार्टी जो है आगे बढ़ेगी। अदरवाइज अन्यथा जो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से अभी भी 10 साल जो है कांग्रेस पार्टी आने वाली नहीं है, अगर यही हिसाब इन लोगों का रहा तो। तो नरेश जी, एकजुटता की जो बात अभी आपने कही है, जिस तरह से BJP द्वारा जो आरोप लगाया जाता है कि अक्सर देखा जाता है कि जोगिंद्रनगर में कांग्रेस मजबूत नहीं है, आपस में एकजुटता की नहीं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि मैं जो भी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं मैं उनके सबके नाक रगड़ने के लिए तैयार हूँ, पाँव छूने के लिए तैयार हूँ, पर मेरा यही संदेश है कि वो लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें। जहाँ तक बात आती है, जैसे ये कार्यकर्ता लोग खड़े हुए हैं, ये हौसला है तभी खड़े हैं, अगर ये हौसला नहीं होता तो नहीं खड़ते यहाँ पे। तो यही बात होती है, उनको चाहिए कि वो इकट्ठा करके सबको एकत्रित करके एक साथ लेकर के जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद, जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरह से अभी हमारे साथ मौजूद है मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेश खनौरिया जी को जो 13 पंचायतों की जो जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई, तो जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत लोकसभा चुनावों में रानी प्रतिभा सिंह जी विजयी हो चुके हैं, उसको देखते हुए नरेश खनौरिया द्वारा आज किस तरह से चौंतरा बाजार में यहाँ पे विजय जुलूस यहाँ पे निकाला जा रहा है, किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आप देख सकते हैं किस तरह की खुशी यहाँ पे देखी जा सकती है। इससे पहले बीरोड बाजार में इनके द्वारा पटाखे वहाँ पे फोड़े गए, विजय जुलूस इनके द्वारा यहाँ पे निकाला गया, किस तरह से खुशी यहाँ पे देखी जा सकती है।
इसके साथ अभी हमारे साथ नरेश कनोरी जी मौजूद थे। जैसा कि बताया कि एकजुटता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, पूरे प्रयास किए जाएंगे, मिलजुल कर चलेंगे ताकि भविष्य में कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत किया जाए। इसी के साथ ही मैं शिव वालिया आप सभी से विदा चाहता हूँ। इसी तरह देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप लाइव टाइम्स टीवी के साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए जोगिंदर नगर एहजू से मैं शिव वालिया, धन्यवाद।